हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। सो क्लास 7, आज आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, और आज आपके एसएसटी के हिस्ट्री के हम चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए ओपन करते हैं अपनी चैप्टर बुक 7th। आपकी बुक के पेज नंबर 76 पर आपके हिस्ट्री का पेज नंबर 1 है मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री का होता है, जो टाइम होता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो इन डिवाइडेड पार्ट्स को ही हम मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। हमारे डिवाइडेड पार्ट्स के 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक के जो हमारा टाइम पीरियड होता है, हम उसको मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन भी है, क्लासीफाई इनटू अर्ली मेडाइवल पीरियड 800 सीई टू 1300 सीई एंड द लास्ट मेडाइवल पीरियड इज 1300 सीई टू 1800 सीई। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारी 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसको मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो हमारा मेडाइवल पीरियड होता है, उस मेडाइवल पीरियड में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि हमारा जो हिस्ट्री थी उसमें हम उन लोगों के जो पूर्वज थे वो जंगल में रहते थे, हिंदू नदी के बराबर में अपने घर बना करके रहते थे, उसके किनारे पे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जो हमारे मेडाइवल हिस्ट्री होती है, उसमें जो हमारी जीवन शैली है, उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो उस टाइम पर आकर के हमारे जो डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि वो राजाओं के टाइम का, हमारे किंगडम के टाइम की, उसमें जो है हम लोगों का जीवन होने लगा, राजा महाराजों के टाइम के टाइम पीरियड को हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू किंगडम्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू किंगडम्स, द मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री डज नॉट रेफर टू द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया अलोन। जो हमारी मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री है, वो सिर्फ हमारे इंडियन हिस्ट्री के ना सिर्फ नॉर्थ को, ना ही सेंट्रल इंडिया को डिफाइन करते, वो बल्कि हमारी पूरी जो हिस्ट्री है, जो कि हमारी पूरी हिस्ट्री है, उसको ही डिफाइन करती है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। मैनी नेम्स ऑफ इंडिया, जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री है, मेडाइवल टाइम पीरियड है, उसी में ही हमारी जो इंडिया है, उसके अलग अलग तरीके के नाम हम लोगों के सामने आए थे। अलग अलग तरीके के जो अलग अलग देशों से लोग घूमने के लिए इंडिया में आए थे, रिसर्च करने के लिए इंडिया में आए थे, उन लोगों ने इंडिया को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि ये हमारा जम्मू द्वीप, और ये भारत व्रत, और ये आर्यव्रत, और फिर उसके बाद लास्ट में इंडो एंड हिंदुस्तान। द एंशियंट ग्रीक्स कॉल्ड इनटू इंडो, वाइल द प्रेजेंस रेफर्ड इनटू एज हिंदुस्तान। जो ग्रीक्स एक ग्रीक देश था, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो विजिटर थे, हिस्ट्रियन थे, वहाँ के विजिटर्स ने आकर के जो हमारे इंडिया है, उसको इंडो नाम दिया, जिसका नाम था हिंदुस्तान। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं बच्चों सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी जानकारी की सोर्सेज हैं, उनके बारे में, हमारी लिटरेचरल सोर्सेज होती हैं, लिटरली सोर्सेज होती हैं, और कोर्ट क्रॉनिकली सोर्सेज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, ये हमारा आता है फिर ये ऑटोबायोग्राफिकल एंड बायोग्राफिक्स। हमारी जो बायोग्राफिक्स होती हैं, बायोग्राफिक्स क्या होती हैं, जो हमारी बायोग्राफिक्स हैं, जब कोई इंसान अपनी जीवन शैली को अपने हाथों से लिखता है, या फिर कोई उसका जानने वाला, कोई उसका मित्र उसके जीवन शैली को उनके बारे में लिखता है, उनके पूरे जीवन को के बारे में लिखता है, तो उसकी जीवन शैली को बायोग्राफी कहते हैं। ट्रैवलर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी हिस्ट्री में बहुत से टाइम ऐसे थे जो कि बहुत सी अलग अलग कंट्री के लोग आकर के हमारे इंडिया में ट्रैवल किया है, उन्होंने हमारे इंडिया में आकर के अलग अलग धर्म को इन्वेंट किया, अलग अलग चीज़ों को का डेवलपमेंट किया, और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। कि जैसे कि ये है अल बरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अल बरूनी जो कि सेंट्रल एशिया से आया था। इन द ट्रैवलर्स तही की आई हिंद रोट एक्सटेंसिवली अबाउट लाइफ इन इंडियन ड्यूरिंग ऑफ द टाइम ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनवी। जो हमारे अल बरूनी है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने जब इंडिया में ट्रैवल किया था, तो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए थे, और उन्होंने मोहम्मद गजनवी के जो टाइम पीरियड में जैसा इस टाइम पे इंडिया का हाल था, उस पूरे सब चीज़ों को लिखा। और भी तरीके के हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, और उन्होंने अपने अपने तरीके से जो जो उन्होंने वहाँ पर देखा, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा, और इस तरीके से हमारी हिस्ट्री का इन्वेंट हुआ। उसके बाद आते हैं रिलीजियस लिटरेचर। जो हमारे इंडिया में और भी हमारे लिटरेचर्स हुए थे, अलग अलग तरीके के लिटरेचर्स हुए थे, उनमें जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर आते हैं, वो लिटरेचर्स होते हैं जो कि भक्ति में या फिर धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं, जो धार्मिक चीज़ों से जुड़े होते हैं, उन लिटरेचर्स को रिलीजियस लिटरेचर्स कहते हैं। कैलीग्राफी जो होती है, ये एक स्टाइल होता है लिखने का। हमारे हिस्ट्री में जो है अलग अलग तरीके के स्तंभ, स्तूप, ये सब चीज़ें पाई गई थी, जिन पर अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कैलीग्राफी की गई थी, अलग अलग तरीके से उनको लिखा गया था। तो ये भी एक जो हमारी हिस्ट्री का
पार्ट है। उसके बाद आता है आर्कनोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कनोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? बिसाइड्स दीज लिटरली सोर्सेज यू ऑल नो द इमेंस वैल्यू ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू द आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारी क्या होती हैं? जो हमारे हिस्ट्री के टाइम में हमें खोज करने पर हमारे मोमेंट्स, टॉम्स, मोस्कीज, पिलर्स, कोइंस, इंस्पिरेशंस, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें जो मिली थी हमें, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। आर्कियोलॉजिकल टाइम की हमारी वो होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंस्पिरेशंस। इंस्पिरेशंस क्या होते हैं हमारे? इंस्पिरेशंस एक तरीके की रिटर्न में जो हम लोगों को खुदाई करते टाइम, रिसर्च करते टाइम जो मिलते हैं, वो हमारे इंस्पिरेशंस हमारे इंस्पिरेशंस में आते हैं, जो रिटर्न में होते हैं हमारे। उसके बाद आता है मोमेंट्स। मोमेंट्स जो होते हैं वो हमारे मोमेंट्स हमारे बच्चों वो होते हैं जो हमको रिसर्च करते टाइम, जैसे कि कोई महल मिलता है या फिर कोई ऐसा प्लेस मिलता है जहाँ पर पहले लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, उसको हम मोमेंट्स कहते हैं। द मोमेंट्स ऑफ द मेडाइवल पीरियड आर द पुराना किला, द जामा मस्जिद एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द हवा महल इन जयपुर, द ग्वालियर फोर्ट इन मध्य प्रदेश एंड द बिराश्वर टेम्पल इन तंजावर। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। कॉइन्स, कॉइन्स हमारे, मैंने आपको बताया था कॉइन्स हमारे वो होते हैं, कॉइन्स आर पार्टिकुलरली यूज्ड टू स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एनी पीरियड बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ दैट पीरियड। जो हमारी कॉइन्स होती हैं वो हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए एक बहुत ही पार्टिकुलर यूजफुल पार्ट होता है, जो कि हमारा इकोनॉमी को और वहाँ के उस टाइम के कि उस टाइम पर किस राजा का शासनकाल था, उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाए स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ एंड पेंटिंग्स जो हमारे चित्र होते हैं। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स आप समझ सकते हैं कि हमारे रिसर्च करते टाइम ऐसी चीज़ें जो कि हमारी किसी चीज़ को डिफाइन करती हैं, किसी चीज़ को डिनोट करती हैं, उन सब चीज़ों को स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस में आते हैं नंबर फर्स्ट पर जो हमारे अलग अलग हमारे इंडिया में जो अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरीके के धर्म हैं, तो उस चीज़ को ही यहाँ पर डिनोट किया गया है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियस। आपको इस पैरा को पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है मोर डेवलपमेंट। जो हमारे ओल्ड हिस्ट्री है उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है वो सब, जैसे कि फॉरेस्ट वर ग्रेजुअली क्लियर्ड लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिरेगेशन ऑफ फॉरेस्ट डवेलर्स टू द मोर डेवलप्ड सिटी एरियाज। जो हमारे पहले का टाइम था, उसमें जो है पहले फॉरेस्ट थे, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल थे, फिर उसके बाद उनको काट करके डेवलप्ड रहने लायक सिटीज़ एरियाज बनाए हैं, तो उनको हम लोग इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। फिर उसके बाद सोसाइटी बिकम मोर डाइवर्स एंड कंप्राइज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल। जो हमारी सोसाइटी हैं वो डाइवर्स हुई हैं, कंप्राइज्ड हुई हैं, जिस तरीके जहाँ पर कि लोग आराम से रह सकते हैं, अपनी जीवन शैली को चला सकते हैं, उसी तरीके से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को रीड करने हैं। तो उसके बाद बच्चों, तो इस तरीके से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसको आपको चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको दोबारा से रीड करना है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ, आपकी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 79 पे आपका ये आ जाता है अलबरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेकर के मोहम्मद गजनी तक। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई डू हिस्टोरियंस नॉट रिले एक्सटेंसिवली ऑन कोर्ट क्रॉनिकली। उसके लिए पेज नंबर 77 पे लिटरली सोर्सेज आर एक्सिस्टिंग रिटर्न मटीरियल राज तरंगिनी से लेकर के किंग्स ऑफ कश्मीर तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आता है हु आर कॉइंस इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 80 पे कॉइंस आर पार्टिकुलरली यूज ऑफ स्टडी से लेकर के पॉलिटी ऑफ दैट पीरियड। ये आपके क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके टिक द मार्क्स हैं, इनको फिल करके आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है। फिर उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको फिल करके सेंड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है। उसके बाद आते हैं मैचिंग द वर्ड्स, फिर उसका आपको ये भी आपकी इसकी भी फ़ोटो आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसको आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, विच पीरियड इज़ नोन एज द मेडाइवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। पेज नंबर 82 पे आपका है द मेडाइवल से लेकर के 18th सेंचुरी। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है। नंबर सेकंड पे चलते हैं, टू विच मोमेंट डू मीराबाई एंड संत कबीर बिलोंग्स। पेज नंबर 79
पेज नंबर 79 पे मीराबाई एंड सेंट कबीर वर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट से लेकर के टाइम्स दे लिव्ड इन, ये आपके क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, नेम टू इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड एंड द वर्क एसोसिएटेड विद देम। क्वेश्चन इसके लिए चलते हैं पेज नंबर 78 पे। पेज नंबर 78 पे आपका मिनाज सिराज ए पर्सन से लेकर के दिल्ली सल्तनत तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट एनी टू लिटरेचर सोर्सेज विच वर नॉट ए रिलीबल एज ट्रेवलर्स। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 77 पे। पेज नंबर 77 पे आपका लिटरेचर सोर्सेज आर एग्जिस्टिंग से लेकर के, ये आपका क्रॉनिकल ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, आपके क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। हाउ डिड कॉइन थ्रू लाइट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए किंगडम। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 पे हमारा कॉइन्स आर आल्सो इंक्लूडेड से लेकर के अनदर एम्पायर तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जांपल्स। उसके लिए पेज नंबर 79। पेज नंबर बिसाइड दीज लिटरेचरी सोर्सेज से लेकर के वेपन्स एंड आर्टिलरी तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, एक्सप्लेन एंड टू गिव एग्जांपल्स। उसके लिए पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 पर आपका लिटरेरी सोर्स आर एग्जिस्टिंग रिटन मटेरियल से लेकर के रिलीजियस लिटरेचर, ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ द नेम हिंदुस्तान। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 पे आपका मैनी नेम्स ऑफ इंडिया पैरा है, उसके टुडे आवर कंट्री इज नोन से लेकर के मॉडर्न इंडिया, ये आपके क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अबाउट इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया। उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे आपका मोर डेवलपमेंट द मेडिवल पीरियड इन इंडिया से लेकर के कास्ट सिस्टम जातिज, इस यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू ट्रेवलर्स एंड इंस्क्रिप्शंस रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। इसके लिए चलते हैं पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे आपका लाइक एंशियंट पीरियड से लेकर के कोर्ट्स एंड प्लेसेस, ये आपके क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपके चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये आपको इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक दोबारा रीड करना है और अपनी एक्सरसाइज को अपनी SST की फेयर नोटबुक में करना है और अपने किए हुए वर्क की आप हमको फोटो सेंड करनी है जिससे कि उसको चेक किया जा सके। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।